इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज समाप्त के दौरान जस्टिस आयशा मलिक से बदतमीजी की, जिसके बाद बाकी जजेस की तरफ से भी नाराजगी का इजहार किया गया। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील को टोकने की बजाय उसे समाअत आगे बढ़ाने का कहकर इलेक्शन कमीशन के वकील की बदतमीजी को इग्नोर कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कई सवाल किए, जिससे वो हाइपर हो गए और बोले कि क्यों तमाम जजेस अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इलेक्शन कमीशन के वकील की इस बदतमीजी पर जस्टिस आयशा मलिक और दीगर जजेस ने नाराजगी का इजहार किया। आई एम जस्ट राइटिंग द फैक्ट्स डाउन एंड आई एम ट्राइंग टू सी दैट इज इट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर, देन आई विल टेक अ पोजीशन। नो इट वाजंट। हाउ वुड दे फाइल इट इन व्यू ऑफ योर ऑर्डर? My ladyship, I am being taken again to the same, I mean, if the bench wants me to say something, why doesn't the judge concerned, just honorable judge, just ask me to just say it through my mouth? No, but I will not. I think that's a very unfair statement. And it's very inappropriate way of responding. Ladyship, I am, I'm sorry, but that's not answer it. Ladyship, I am being like, I think I'm seeing what's happening here. Please, please, please.